मेरे पति मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। मेरे लिए हर रोज कुछ ना कुछ लेकर आते थे, जबकि अगर सही बताऊं तो उनकी इतनी औकात नहीं थी। मैं तो बेहद हैरान रह जाती थी कि इतना सब कुछ वो कहां से लेकर आते हैं। हर रोज मेरी पसंद की चीजें लाना, खाना लेकर आना, सब कुछ करते थे मेरे लिए। लेकिन एक काम वो बहुत अजीब करते थे। हर रात वो मेरे कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाया करते थे। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी मुझमें, ना ही वो कभी मेरे पास बैठा करते थे, ना कभी कोई मेरी बात सुनते थे। उनका मेरे साथ ऐसा रवैया नॉर्मल तो नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हर रात दूसरे कमरे में क्यों चले जाते हैं। एक रात मैं उनके कमरे में जाकर छुप गई, ताकि जब वो वहां पर आए तो मुझे पता चल सके कि आखिर वो उस कमरे में पूरी पूरी रात क्या करते हैं और मेरे पास क्यों नहीं बैठते। उस रात मैंने अपने पति को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैंने तो अपने कानों पर हाथ लगा लिया। नमस्कार, मेरा नाम रिया है, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही, लोग ऐसा कहते हैं। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से अक्सर जलन होती थी। वो मुझसे नफरत करती थी और हमेशा कहती थी कि तुम्हारी जो ये खूबसूरती है ना, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। मैं उन्हें कहती थी कि भाभी कम से कम भगवान से तो डरो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी माँ तो मेरे साथ थी, पर मेरे पापा बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। मैं अपने भैया भाभी के पास ही रहती थी। जब तक माँ थी तब तक उस घर में मेरी चलती। मेरे भाई को भी मुझसे नफरत ही थी। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि तुम मेरी बीवी से ज्यादा मुकाबला मत किया करो। उनकी बीवी तो हमेशा अपने आप में ही लगी रहती थी। शायद मेरी गलती थी या कमी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरी भाभी अक्सर मेरी माँ को समय से खाना नहीं देती थी या बासी खाना देती थी। मुझे ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत गुस्सा आता था मुझे उनके ऊपर। कई बार तो मैं उन्हें सुना भी देती थी। मेरी माँ को पहले से ही डायबिटीज था और ऊपर से बासी खाना उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अक्सर बासी खाना खाकर उनकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। उस दिन मैंने भाभी को कहा कि क्या आपसे खाना भी नहीं बनाया जाता, जो आप माँ को हमेशा बासी खाना दे देती हैं। मेरी माँ को मारना चाहती हैं क्या आप जानती नहीं कि वो बीमार है। अब मेरा इतना कहने पर घर में इतनी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननद भाभी के बीच हाथापाई तक हो गई। अब मेरे भाई ने किसका साथ दिया होगा, वो तो आप सब जानते ही हैं। भाभी का ही दिया था। मेरा भाई मुझे कहने लगा कि तुझे तो मैं एक ही दिन में सीधा कर दूंगा, छोटी है तो छोटी की तरह रहा कर। तुझ में समझ नहीं कि तुझे अपने बड़े भाई भाभी से कैसे बातें करनी चाहिए। मैंने उन्हें कहा, भाई बात छोटे और बड़े की नहीं है। आप तब नहीं देखते जब वो माँ को बासी खाना दे देती है, माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तब आपको नहीं दिखाई देता। आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो हर रोज ताजा खाना माँ को दिया करे, और अगर वो इस तरह से गलती करेंगी तो मैं उन्हें बोलूंगी। आप चाहे जो मर्जी बोलो। उसी रात मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतनी खराब हुई कि वो अस्पताल पहुंच गई। कई दिनों तक अपनी बीमारी से लड़ती रही और आखिर में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरे पास मेरी सिर्फ माँ का ही तो सहारा था, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। रिश्तेदार भी कुछ ज्यादा नहीं थे हमारे, जो थे वो भी माँ के ससुराल वाले ही थे, इसलिए किसी को कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ। वो सब आए थे हमारे घर, थोड़ा सा अफसोस किया और वापस अपने घर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई भाभी रह गए थे। एक रात भाई मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, तुम तो जानती ही हो कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगा था कि भाई कहेंगे कि पर तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कहने लगे कि अगले महीने मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। मैं उनकी बातों को सुनकर हैरान रह गई थी। वो ये क्या बोल रहे थे, माँ अभी अभी तो गई थी। मैंने कहा कि भाई क्या कह रहे हैं आप, तो वो कहने लगे कि हाँ तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ मैं। अच्छा होगा तुम शादी करके अपने घर चली जाओ। उस समय मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं उनसे किसी तरह की कोई भी बहस करती कि आप मेरी शादी किससे करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप रही। आगे उन्होंने कहा, क्योंकि माँ अभी अभी गई है, तो अगर तेरी शादी को लेकर तेरे मन में कोई भी अरमान है तो उसको अपने मन में ही रखना, फिलहाल हम कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे लिए महीने भर पहले ढोलकी नहीं बजवा सकता। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने तकिए में अपना सर छुपा लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माँ तो माँ होती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। होते होंगे कुछ भाई अच्छे, पर मेरा भाई उनमें से एक नहीं था। फिर मैंने भी बस यही सोचकर तसल्ली कर ली कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही थी, अब हो रही है तो अभी सही, कम से कम अपनी भाभी से तो जान छूटेगी, क्योंकि वो तो मुझे वैसे भी यहाँ चैन से रहने नहीं देगी।
यही सोचकर अब मेरे दिन गुजरने लगे थे। मैंने अपने पति को नहीं देखा था। शादी का समय आया तो मैं देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस तरीके के इंसान को चुना था, किससे उसने मेरी शादी को तय कर दिया था। शायद इसमें भी मेरी भाभी की ही चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी तो वो मुझे इसी तरह की बातें करती थी कि वो मुझे बर्बाद कर देगी। मैं जैसे उनकी दुश्मन थी। उनकी बातों से अक्सर मुझे यही लगता था कि वो मुझसे जरूर बदला लेगी, और आज उन्होंने वो कर लिया था। वो कामयाब जो हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा बेहद अजीब सी हालत में मंडप पर बैठा हुआ था। उसे देखकर तो कोई बच्चा भी अंदाजा लगा लेता कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक पागल था। उसने अपने हाथ में कई टोपियां पकड़ी हुई थी जिसको वो बैठा बैठा चबा रहा था। उसके बिखरे हुए बाल, बिखरे हुए कपड़े उसका हाल बयां कर रहे थे। उसने अपने कपड़े इतने ज्यादा गंदे कर लिए थे जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो, जैसे बच्चों के साथ मिट्टी में खेल कर आया हो। सबको पता चल गया था कि वो एक पागल है। मोहल्ले भर से कुछ और औरतें भी आई हुई थी और कुछ रिश्तेदार भी थे। सब कहने लगे कि अरे रिया, तुम्हारा दूल्हा तो पागल है, ये क्या कर दिया तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारे साथ। सब आपस में बात कर रहे थे कि इतनी प्यारी लड़की है, इसकी शादी किससे करवा दी इन्होंने। इन सब बातों के बीच मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी आंखों से तो बस आंसू बहे जा रहे थे। मैंने उस पागल को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था और अपनी किस्मत समझ लिया था। मेरी माँ की बहुत सी यादें मेरे मन में थी, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी। अगर वो होती तो ऐसा कुछ होने ही नहीं देती मेरे साथ। आज बहुत ज्यादा याद आ रही थी माँ की और पापा की भी। मेरी भाभी ने मेरे भाई को शायद भड़काया था। मेरे भाई को भी जरा ख्याल नहीं आया कि मैं उसकी बहन हूँ। बचपन से उसने मुझे बड़े होते हुए देखा था, कैसे वो मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर सकता था। एक बार उसने नहीं सोचा कि वो पागल कैसे मुझे रखेगा अपने घर में, कैसे मेरा ख्याल रखेगा। आजकल तो लोग बेटियों की भी शादी इस तरह के लड़कों से नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती, और यहाँ तो उसके पास ना नौकरी थी और ना ही अकल। तमाशा वहां बन जाता, क्योंकि मेरे भाई भाभी तो मुझे वैसे भी रखने वाले नहीं थे। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप वहां से विदा होकर चली गई। जाते जाते मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखने की कोशिश की थी, पर मैं पीछे हो गई। सब लोग ये देख रहे थे। मैं मन में यही सोच रही थी कि जरा इसकी भी तो बेइज्जती हो, इतना तो इसके लिए भी बनता है। इसने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरी भाभी लोगों को दिखाने के लिए मुझसे गले मिलने के लिए आगे हुई, लेकिन मैं उनसे भी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने तो ये सब कुछ किया था। उन्होंने सबके सामने मुझे कहा कि देखा, मैंने तुम्हारी शादी करवा दी ना, अब तुम अपने घर जाओ और खुश रहो। आखिर कौन सी भाभी ऐसा कहती है। वो मुझसे बेहद नफरत करती थी जो दिखाई दे रहा था। वो लोग मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे थे भगवान देख रहे थे। मुझे पता था कि भगवान एक ना एक दिन इस बात का इंसाफ जरूर करेंगे। आज मेरा समय जरूर खराब था, लेकिन कल अच्छा भी आएगा। खैर, विदा होकर मैं अपने घर चली गई। दूल्हा मेरा जरूर पागल था, पर उसका घर बेहद सुंदर था। कई कमरे थे उस घर में। वहां उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो शायद इसी घर में हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब रात हुई तो मेरे पास वो मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि भाभी, अब से आपको ही भाई को संभालना है, मुझे अपने घर जाना होगा। मैं कब तक यहाँ पर आपके साथ रहूंगा। देखिए, मम्मी पापा तो हमारे भी नहीं हैं, अब जो भी हैं वो आप ही हैं। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मुझे उनके पास रहना होगा। मैं आपके पास यहाँ कब तक रहूंगा। अब यही आपके पति हैं और यही आपका घर है, आपको सब कुछ खुद ही संभालना होगा। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। अगर कुछ भी तब भी समझ ना आए तो मुझे फोन कर लीजिएगा। दीवार पर मैंने एक नंबर लिख दिया है, अगर ये आपको ज्यादा परेशान करे तब भी आप मुझे बुला लीजिएगा, लेकिन वैसे ये ऐसा करेगा नहीं। और अपने आप को भी संभालने की पूरी कोशिश कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, आप धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आप ही का पति है और आपको इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। मैं समझ रही थी कि मेरी जिंदगी में अब कौन सा भूचाल आने वाला था, कितनी बुरी होने वाली है मेरी जिंदगी। मैं भी चुपचाप हाँ में सर हिला रही थी, मैं कर भी क्या सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान मत होना, एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी कि वो मुझे तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने दोबारा यही बात कही। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी, एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखना। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने एक ही बात को दो बार क्यों कहा। खैर, उस समय मेरे पति दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। मैं जब उसके कमरे में गई तो हैरान रह गई, शायद वो कमरा उन्हीं का था। कुछ टूटा हुआ सामान भी वहां पर रखा हुआ था, खिलौने भी वहां बिखरे पड़े थे, शायद मेरे पति का दिमाग बचकाना था।
जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो डर गए, लेकिन मुझे लगा था कि शायद वो कुछ बात करेंगे मुझसे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं भी उनसे क्या ही बात करती, मैं चुपचाप जाकर दूसरे कमरे में सो गई। मेरा मन तो कर रहा था कि दरवाजे को कुंडी लगा लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बेहद अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन इतनी सुकून की नींद मुझे काफी समय से नहीं आई थी, अपने घर पर भी नहीं। जब सुबह आंख खुली तो मैं तो हैरान रह गई, मेरे पति वहीं बैठे थे। उन्हें देखकर मैं बेहद डर गई थी। जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। वहां पर चाय और नाश्ता रखा हुआ था, नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर आसपास भी देखा, मुझे लगा कि शायद उनके भाई आए होंगे और वही लेकर आए हैं ये, पर वहां कोई भी नहीं था। दरवाजा भी तो रात को मैंने ही बंद किया था। मेरे पति मुझे कहने लगे कि नाश्ता कर लो, और वो भी मेरे साथ नाश्ता करने बैठ गए। मैं बेहद हैरान रह गई थी, इनको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो ये बाजार जाकर मेरे लिए नाश्ता ले आए, फिर ये कैसे पागल हुए। लेकिन फिर उन्होंने उस वक्त अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया, किसी कार्टून का गाना गा रहे थे वो। मैं समझ गई कि शायद ये एक नॉर्मल हरकत है, मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगी थी। हो सकता है कि इन्हें भी भूख लगी हो और कुछ पैसे हो उनके पास तो वो बाहर से जाकर कुछ ले आए, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता। फिर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी। मैं उनके भाई से पूछना ही भूल गई थी कि आखिर घर चलता कैसे है, लेकिन फिलहाल घर की जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सब घर में मौजूद थी। सफाई करने के बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया, पर पता नहीं मेरे पति अचानक कहाँ चले गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहाँ ढूंढूं उन्हें, कहीं घर से भाग तो नहीं गए। मैंने इसलिए उसी समय उनके भाई को कॉल मिलाया, पर वो कहने लगे कि हाँ हाँ वो कभी कभी कहीं निकल जाता है, लेकिन आप परेशान मत होइए, वो खुद ही वापस आ जाएगा, अभी नहीं आया तो रात तक जरूर आ जाएगा। पर मेरा तो मन घबरा रहा था, पता नहीं कहाँ निकल गए। उनके भाई कह रहे थे कि अगर रात तक भी नहीं आए तो मुझे आप जरूर बताना। मैंने भी हाँ बोलकर फोन रख दिया। पूरा दिन मैंने बड़ी ही बेसब्री से गुजारा था, मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे उनको लेकर। पर जैसे ही शाम होने वाली थी वो घर आ गए। उनके हाथ में कोई चीज थी जो उन्होंने मुझे दे दी। जब मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर कुछ फूल थे। मैंने कहा ये कहाँ से ले आए, तो वो कहने लगे कि तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं बेहद हैरान रह गई। उन्होंने वो फूल मेरे पास रख दिया और खुद दोबारा दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो वो कमरा अंदर से बंद था। मेरे दिन सही बताऊं तो अच्छे ही गुजर रहे थे। शादी के समय जैसे जैसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे और जो मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी तो अब खराब हो गई, वैसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पति हर रोज मेरे लिए कोई ना कोई चीज जरूर लेकर आते थे। उनके पास पैसे कहाँ से आते थे वो मुझे नहीं पता चला था अभी तक, लेकिन उस घर में हर चीज मौजूद थी जो मेरी जरूरत की थी। अब कुछ दिनों से घर का राशन खत्म होने वाला था। मैं सोच ही रही थी कि अब राशन का कैसे करेंगे कि अगले ही दिन उनका भाई आया और उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमा दिए। मैंने उनसे पूछा कि ये पैसे आप इस घर को चलाते हैं क्या, तो वो कहने लगे कि हम दोनों भाइयों के नाम पर ही कुछ दुकानें हैं जिसका किराया आता है, तो उसमें से मैं हर महीने भाई के हिस्से का किराया उसे दे देता हूँ। वो किराया लगभग 30-35 हजार रुपए था, जो कि घर चलाने के लिए काफी था। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, और मैं उसी दिन जाकर घर की जरूरत का सारा सामान ले आई। मेरे घर में टीवी था, फ्रिज था, एसी भी था, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हमारे घर में नहीं थी। एक दिन मेरे भाई भाभी मेरे घर आए। मैं जानती हूँ कि वो मेरा हाल देखने आए थे कि कौन सी बदहाली की जिंदगी में गुजर रही है, क्योंकि उन्होंने तो मेरी शादी एक पागल से करवाई थी ना। जब वो मेरे घर आए तो मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने एक नई साड़ी पहनी हुई थी। मेरी भाभी ने कहा कि ये साड़ी तुम कहाँ से लेकर आई हो, क्योंकि हमने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं था और तुम्हारी शादी में भी सिर्फ दो ही जोड़े आए थे। मैंने कहा मेरे पति लेकर आए हैं। तो पहले तो वो दोनों मुझे बेहद हैरानी से देखते रहे। उसके बाद मेरी भाभी कहने लगी कि अच्छा कहीं से चुरा के लाया होगा, मुंह हाथों से धोना आता नहीं है तो कहाँ से लेकर आएगा। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पति ही लेकर आए हैं, और आपको किसने कह दिया कि उनको मुंह हाथ धोना नहीं आता, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। मैंने उन्हें वो हर सारी चीजें दिखाई जो वो मेरे लिए लेकर आए थे। वो देखकर हैरान रह गई। वो मुझसे कहने लगी कहाँ से ला रहा है वो इतना सारा सामान, कहीं चोरी तो नहीं कर रहा। मैंने कहा वो कोई चोरी नहीं कर रहे, उन्हीं के पैसे हैं, उसी से लाते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। मेरी भाभी का तो जैसे चेहरा ही उतर गया हो, जैसे उनके किए किराए पर पानी फिर गया हो। मुंह लटकाकर भाई भाभी दोनों अपने घर वापस चले गए।
उनके जाने से पहले मैंने अपने भाई से कहा था कि भाई, मुझे पहले तो लग रहा था कि आपने मेरी शादी पागल से कर दी, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो मैं बेहद खुश हूं। आपका फैसला गलत नहीं था। मुझे यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। शायद अगर बिरादरी में शादी होती तो जिस तरीके के हम गरीब थे वैसा ही कोई गरीब मुझे मिलता, लेकिन मेरी शादी बहुत अच्छी जगह हुई है। यहाँ पर सब कुछ है और मेरे पति भी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छे हैं ये लोग। यहाँ पर सुकून की नींद आती है मुझे। मेरी भाभी का मुंह लटक गया था। मैं जानती थी कि वो घर जाकर मेरे भाई से लड़ाई झगड़ा करने वाली है, मुझे खुश देखकर जो जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई ने मेरी शादी अच्छा सोचकर तो नहीं ही की थी एक पागल से, ये बात मैं जानती थी। मुझे बस एक चीज की कमी लग रही थी कि मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं करते थे। नहीं तो उसके अलावा मेरे लिए हर चीज लाना, मेरा ख्याल रखना, मेरे खाने पीने का ध्यान रखना, सब कुछ करते थे। पूरे दिन वो मेरे आसपास रहते थे, लेकिन रात होते ही दूसरे कमरे में चले जाते थे और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेते थे। मुझे बेहद परेशानी होती थी ये सब देखकर। कई बार मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है कि अगर वो मुझसे बात करें तो मेरे प्यार की वजह से वो ठीक हो जाएं। लेकिन अगर वो कोई भी बात करते तब ना, वो तो मुझसे कुछ बोलते ही नहीं थे। अगर मेरे पति का पागलपन ठीक हो जाता तो वो इस दुनिया के सबसे अच्छे पति होते। सुंदर तो वो पहले से ही बहुत थे, मेरा ध्यान भी बहुत रखते थे, मेरी हर जरूरत को पूरा करते थे, और एक औरत को क्या चाहिए अपने पति से। एक बात तो मुझे बखूबी समझ आ रही थी कि कुछ भी हो रहा था, उसका ताल्लुक उस कमरे से जरूर था। कुछ तो था उस कमरे में जो मेरे पति हर रात वहां चले जाते थे और दरवाजे को बंद कर लेते थे। मुझे अब पता लगाना था कि वहां क्या है, आखिर वो क्या करते हैं उस कमरे में पूरी रात। एक बार मैं उनके पीछे उस कमरे में गई भी थी कि आखिर वहां क्या है, पर वो कमरा मुझे बिल्कुल नॉर्मल दूसरे कमरों जैसा ही लग रहा था, कुछ अलग नहीं था वहां। मेरी भाभी ने कई लोगों को ये तक कहा कि करी तो हमने इसकी शादी एक पागल से ही थी, लेकिन अच्छे हालातों में ही है वो। हम सब रहते तो एक ही मोहल्ले में थे, मुझे सब कुछ पता चलता था कि वो मेरे बारे में क्या बोलती है और क्या नहीं। पर मुझे तो यही तसल्ली थी कि भगवान का शुक्र है यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, पूरा घर मैंने संभाला हुआ था, मेरे पति मेरा ख्याल रखते थे, और क्या चाहिए था मुझे। इतनी सुख सुविधाएं तो मुझे अपने मायके में भी कभी नहीं मिली थी। एक बार अपने पति का पीछा करते हुए मैं काफी दूर निकल गई थी, लेकिन उसके बाद वो कहीं गायब से हो गए। मैं चुपचाप वापस आ गई। समझ ही नहीं आया कि अचानक वो कहाँ चले गए थे। मुझे जानना था कि आखिर वो कहाँ निकल जाते हैं हर रोज। एक बार को मुझे लगता था कि शायद दूसरे बच्चों के साथ खेलने चले जाते होंगे, वहां पास में ही कई पार्क भी थे, इसलिए मैंने इस बात पर अब ध्यान देना छोड़ दिया था। लेकिन उस कमरे के राज को तो मुझे पता लगाना ही था, क्योंकि वो अक्सर उस कमरे से जब भी बाहर निकलते थे उस रूम में ताला लगा दिया करते थे। एक दिन कमरे का राज जानने के लिए मैंने उनके ताला चाबी को ही छुपा दिया। जब वो घर से निकलने लगे तो ताला और चाबी ढूंढने लगे, पर जब उन्हें नहीं मिला तो वो बिना ताला लगाए ही आज घर से बाहर निकल गए। इसी बात का तो मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि उनके आने से पहले मैं उनके कमरे में छुप जाऊंगी, और जब वो कमरे में आएंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर वो कमरे में करते क्या हैं। जब शाम को वो कमरे में आए उससे पहले मैं छुप गई थी। पहले आकर उन्होंने मुझे हर जगह ढूंढा, मेरा नाम भी बुला रहे थे, लेकिन जब उन्हें मैं कहीं नहीं मिली तो वो उस कमरे में आ गए। सही बताऊं तो कभी कभी मुझे उनको ऐसे देखकर बहुत दुख होता था कि वो भी किसी के बच्चे हैं, इतने खूबसूरत नौजवान हैं, भगवान जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी हालत ऐसी हो गई। क्योंकि मैं ये तो जानती थी कि ये पागल पैदा तो नहीं हुए थे, शायद हो सकता है कि उनके साथ कोई हादसा हुआ हो, उसके बाद उनकी हालत ऐसी हो गई हो। मैंने उनके भाई से भी कई बार पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहते थे कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे अपने पति की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली थी, उसमें उनके परिवार वालों की भी कुछ फोटो थी। सबसे खूबसूरत तो यही लग रहे थे, ना जाने कैसे इस हाल पर पहुंच गए, ना जाने मन में कितने ही सवाल आया करते थे। आज भी जब वो बाहर से आए तो मेरे लिए कुछ लेकर आए थे। आवाज लगाते हुए जब वो मेरे कमरे में पहुंचे तो मुझे ना पाकर उन्होंने वहीं कमरे में रख दिया, शायद मेरे लिए ही कुछ लेकर आए होंगे। ये सब कुछ मैं उसी कमरे में छुपी खिड़की से देख रही थी। अब वो इसी कमरे में आ गए और जिसमें वो हर रात आया करते थे, और आकर अंदर से कमरा बंद कर लिया, कुर्सी पर बैठ गए। मैं चुपचाप उन्हें देख रही थी, उनको तो अंदाजा भी नहीं था कि मैं उस कमरे में ही हूं। अब आज वो राज खुलने वाला था जो इतने दिनों से उन्होंने मुझसे छुपा के रखा था।
आने के साथ ही वो गहरी सोच में डूब गए। कुर्सी पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पागल है, कोई समझदार इंसान ही ऐसे सोच सकता था। मुझे यहीं पर कुछ गड़बड़ लगी थी, कोई तो ऐसी बात थी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक फोन निकाला। वो फोन मैंने उनके पास आज तक कभी नहीं देखा था, पता नहीं कहां से आया। उनके पास एक ही फोन था और वो भी टूटा हुआ था। उन्होंने किसी का नंबर मिलाया और किसी से फोन पर बात करने लगे। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे तो मानो हालत ही खराब हो गई। मैं हैरान रह गई कि वो इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर पा रहे हैं। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत समझदार इंसान बात करता है। वो सामने वाले इंसान को कह रहे थे कि जो मैंने आपसे डील की थी उन पैसों को हमारे कारोबार में लगा दो, जो भी किस्मत में होगा वो मुझे मिल ही जाएगा। वो डील अच्छी थी। मैं तो उनकी ऐसी बातों को सुनकर हैरान ही रह गई कि मेरे पति को तो ऐसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं और ये यहाँ बैठकर बिजनेस की बातें कर रहे हैं। अगर ये ठीक है तो ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे, मुझे तो ये बता ही सकते थे अगर कोई भी परेशानी थी तो। एक मन किया तो उसी समय उनके सामने चली जाऊं, पर मैं देखना चाहती थी कि अब वो आगे क्या करते हैं। मैं चुपचाप वहीं खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी जेब से काफी पैसे निकाले और साइड में रख दिए और उसके बाद उन्होंने फिर से किसी को फोन मिलाया। फोन मिलाने के साथ ही उन्होंने पहले अपने भाई का नाम लिया। उसके बाद वो उनसे कहने लगे कि मेरा मन करता है कि मैं रिया को सब कुछ बता दूं, आखिर वो मेरी बीवी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, कब तक छुपाऊं मैं इन बातों को। कुछ देर रुक वो कहने लगे कि नहीं नहीं मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। कहां जल्दबाजी है, 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है मेरी शादी को, बस मैं इससे ज्यादा चुप नहीं रह सकती थी। मैं उसी समय उनके सामने आ गई। मुझे देखकर उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उन्होंने उस समय फोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो आप पागल क्यों बने हुए हैं सबके सामने। वो दोबारा पागलों की एक्टिंग करने लगे। मैंने कहा मैं बहुत देर से इस कमरे में हूँ, आपकी सारी बातें सुन ली है मैंने, अब आप ये ड्रामा छोड़ दीजिए और मुझे सच सच बताइए कि आखिर बात क्या है। तो वो कहने लगे देखो मैं सब सच सच बताता हूँ, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हें बताना ही था। अपने पति का झूठ पकड़कर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझसे कहने लगे कि तुम रो क्यों रही हो। मैंने उन्हें कहा मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, बस ऐसे ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये कैसा झूठ था जो मेरे सामने आ गया। उन्होंने उसके बाद जो मुझे सच्चाई बताई मेरे पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। वो कहने लगे कि मैं इसी मोहल्ले में रहता था, इस मोहल्ले में मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, मैं ऑनलाइन काम भी करता था, वहीं पर मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हुई। एक दिन जब मैं उनके साथ बाहर गया तो उनमें से 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा बहुत छोटा सा था लेकिन धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि उसमें एक आदमी की मौत हो गई। बाकी लोगों ने वो इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय, सिर्फ मुझे इतना ही लगा कि अगर मैं पागलपन की एक्टिंग करूंगा तो पुलिस मुझे नहीं लेकर जाएगी। ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझे कुछ दिन मंदबुद्धि लोगों के साथ रखा और उसके बाद छोड़ दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इल्जाम मेरे ऊपर लगता और पूरी जिंदगी मेरी जेल में ही कट जाती। अपने भाई की मदद से और कुछ CCTV फुटेज निकाल कर मैंने जैसे तैसे अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित कर दिया है। कुछ ही दिनों में मुझे कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल जाएगी। दुनिया के सामने मैं पागल हूँ लेकिन मेरा भाई जानता है और वही मेरी मदद कर रहा है, वही ये सब इकट्ठा कर रहा है ताकि कोर्ट में मुझे बचा सके। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिन बाद केस भी मेरे पति जीत गए और उनके ऊपर से सारे इल्जाम हट गए। धीरे धीरे मैंने भी आसपास के लोगों को बोलना शुरू किया कि हम उनका इलाज करा रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए दुनिया के लिए। मेरे पति ने मुझे बताया कि जब तुम्हारा भाई मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था तो उसे पता था कि मैं पागल हूँ, उसके बावजूद वो मान गया। मुझे बेहद हैरानी हुई थी लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैं जानता था कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हें सब कुछ बता ही दूंगा, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो इसका सबूत तो तुमने ऐसे ही दे दिया। पागल होने के बावजूद तुमने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा और तुम मेरे साथ रही, तुम बहुत अच्छी हो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब भी बाहर जाता हूँ तुम्हारा चेहरा ही हमेशा दिमाग में आता है, इसलिए कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझोगी और मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। इस झूठ के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।